आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है वो 36,800 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि मंडे के दिन मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, कॉल और पुट कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न किस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। तो इस जगह देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन बातें क्लियर करना चाहूँगा कि मार्केट में देखिए दो गैप आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहे हैं, एक गैप आपका जो दूसरा गैप और एक बड़ा गैप आपको इस जगह आपका जो अप्रैल में बना था एक वो वाला गैप आपको दिखाई दे रहा है। यानी तीन गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, दो गैप आपके नीचे की साइड है और एक गैप आपको ऊपर की साइड है। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे जो प्राइस है ना, यहाँ पे इस जगह एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी इसने जो हाई देखिए इस जगह मारा था वो इस जगह देखिए 36,825 के आसपास का इसने हाई मारा था। यानी ये तो आपका हो गया हाई पॉइंट, क्या हो गया, जो आपका हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम इसके क्लोजिंग की बात करें तो 36,440 की इसकी क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है। यानी मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक गैप आपका ये नीचे की साइड दिखाई दे रहा है, दूसरा गैप आपको इस जगह दिखाई दिया था और एक जो सबसे बड़ा गैप है वो ऊपर की साइड है। ठीक है, यानी जो हाई पॉइंट पर है और इस गैप की जो प्राइस आपकी निकल के आती है, अगर मैं उस प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो प्राइस आपको इस जगह देखने को मिलता है, इस जगह लिखना चाहूँगा 37,400 रुपये का वो प्राइस आपका दिखाई देता है। यानी जो आपका हाई के लेवल पे जो प्राइस है। ठीक है, अब मार्केट में मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट थोड़ा तेज़ी दिखा सकता है, मार्केट में और तेज़ी आ सकती है, लेकिन किस पॉइंट से आ सकती है, इसके ऊपर लेवल पर। यानी जे वालों जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 36,825 अपने हाई लेवल से आ सकती है। क्योंकि देखिए अभी मार्केट में कैंडल किस टाइप का बनना है, अगर मैं बात करूँ देखिए यहाँ पर कैंडल आपको दिखाई देगा कि नीचे की साइड आपने देखा होगा कि जब इसको देखिए मार्केट को ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करना था जो कि 36,500 का लेवल था, इसको मार्केट को ऊपर की साइड क्रॉस करना था। उससे पहले देखिए मार्केट ने किया क्या था कि एक डोजी कैंडल बनाया था ग्रीन कलर का, फिर उसके बाद जो कैंडल बनाया था वो इस जगह देखिए रेड कैंडल बनाया था इस जगह, और फिर उसके बाद एक और बड़ा कैंडल बनाया था जो इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया था, वन कैंडल में ब्रेक किया था इस वाले लेवल को। तो इसका काफ़ी बड़ा देखिए बेनिफिट मिलता है कि अगर मार्केट देखिए अपने साइकोलॉजी लेवल को अगर वन कैंडल में ब्रेक करता तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। अब देखिए मार्केट में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं इसको अपन समझते हैं। अगर मार्केट अपने हाई लेवल को जैसे कि ये आपको दिखाई देता ना 36,000, देखिए यहाँ पर 36,800 को अगर ये अपने 36,825 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करता है, यानी मार्केट में ओपनिंग नीचे की साइड और क्लोजिंग ऊपर की साइड, ठीक है मैंने क्या बोला है क्लोजिंग ऊपर की साइड देना चाहिए आपका जे वाला कैंडल, और जो कैंडल जो आपका बनना चाहिए वो कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखिए ग्रीन कैंडल होगा जब भी इसमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी इसके ऊपर जाएगा। तो अब इसमें टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की हम बात करते हैं। पहला टारगेट आपका 36,900 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो साइकोलॉजी टारगेट है जो कि 37,000 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टारगेट आपका 37,120 का देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें इस जगह कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट देखिए किस तरीके का चल रहा है, हायर हाई देखिए इस जगह बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको जब भी नई तेजी बाइंग करना है जब ये अपने हाई को ब्रेक करता है, यानी अपने हाई को ब्रेक करता है जब भी अगर आप मार्केट देखिए अपने हाई लेवल को क्रॉस करता है तो इस जगह हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, यानी अपने हाई लेवल पर बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए जी जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 37,400 वाला, इस पर क्या है देखिए एक गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट ने देखिए नीचे के लेवल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 1,000 पॉइंटों से लेके 1,200 पॉइंटों की देखिए इस जगह तेजी दिखा चुका है मार्केट। ठीक है, तो अभी हमको नई जो पोजीशन बनाना है वो कहाँ पे बनाएंगे, अपने हाई लेवल के ऊपर बनाएंगे जो कि मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, थोड़ा कंसोलेट होने दीजिए। देखिए अभी जो मार्केट में जो आपके FIIs है वो कंटिन्यू इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस लेवल पर जो आपका कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जब मार्केट इसको ऊपर की साइड पार करेगा यानी अपने हाई लेवल को पार करेगा तो हम इसमें CE की पोजीशन बना सकते हैं। आप देखिए इस जगह मैं ऑप्शन चेन भी आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑप्शन चेन का डेटा आप देखिए इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले अपन OI के बारे में बात करते हैं, तो OI का डेटा जो आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 855,000 के समथिंग का देखिए OI का डेटा आपको इस जगह दिखाई दे रहा है जो कि कॉल के साइड का है। लेकिन अगर हम पुट के साइड की बात करते हैं, पुट के साइड का देखिए डेटा आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10 लाख
प्लस के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए पुट में हम बाइंग कब करते हैं, जब मार्केट आपका ऊपर की साइड जाता है, जैसे ऊपर की मार्केट साइड जा रहा है और ऊपर की साइड जा रहा है तो काफ़ी लोग इस जगह पुट बाइंग करते हैं। ठीक है, क्यों बाइंग करते हैं, क्योंकि वो उनको लॉस हो रहा है। जब मार्केट में नीचे की साइड आपका जो पुट का प्राइस है अब वो नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपने इस जगह पुट का प्राइस अगर आपने 100 रुपये में भी बाइंग किया तो कहीं ना कहीं इसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से उनको लॉस कंटिन्यू होता है और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। देखिए इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि मैंने आपको बोला है कि क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो इस क्वांटिटी को लेके आपको ये नहीं चलना है कि भाई इस जगह क्वांटिटी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पुट में एक तेज़ी आ सकती है। ठीक है, आपका इस जगह क्वांटिटी ज़्यादा है तो लॉस भी ज़्यादा। देखिए मार्केट में है ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, हमेशा ज़्यादा लोग वो मिलेंगे आपको जो लॉस करने के लिए तैयार होते हैं, तो इस क्वांटिटी को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं लेकिन इसको आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, FIS के डेटा को भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा FIS का डेटा कि जो नीचे की साइड से अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको देखिए 14 जुलाई से आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं 21 जुलाई तक कंटिन्यू रही थी। मैंने इस जगह क्या बोला, कंटिन्यू रही थी, लेकिन अगर आप 22 को देखो तो 22 को कहीं ना कहीं इस जगह बिकवाली हुई है और नेट नेट जो बिकवाली आपको दिखाई दे रही है वो इस जगह आपको देखने को मिलेगा कि 6421 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। लेकिन इंडेक्स में जो तेजी आ रही है कहीं ना कहीं वो इंडेक्स में इस जगह बुलिश है। अगर देखिए इंडेक्स के मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, देखिए इंडेक्स में भी दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इंडेक्स का फ्यूचर है, ठीक है, जो कि आपको इस जगह दिख रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो स्टॉक का आपको दिखाई देगा। लेकिन इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी खरीदारी है, अगर मैं बात करूँ नेट नेट खरीदारी की तो देखें आप इस जगह आपको देखने को मिलेगा 7,835 करोड़ के आसपास की खरीदारी है और 22 तारीख को भी जगह खरीदारी की है जो अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छा डेटा दिखाई देता है। लेकिन हमने बात किया कि जाता है कि मार्केट अपने हाई के ऊपर जाता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं देखिए अगर हम बात करें तो इस जगह 37,400 तक की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, अपने हाई को क्रॉस करता है तो, और जो तेज़ी हमको देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं देखिए इस जगह आपको 300 से लेकर 400 पॉइंटों की देखने को मिलेगी अगर मार्केट आपका इस जगह फ्लैट ओपन होता है और फिर ऊपर की साइड जाता है तो। अब देखिए इस जगह मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको समझना है कि मार्केट अभी जो तेज़ी दिखा रहा है उसमें कंटिन्यू आपको नीचे की साइड गैप दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला है कि गैप जब जब बनते हैं मार्केट में एक करेक्शन आता है, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं कि मार्केट में हमको आँख बंद करके काम करना है, ठीक है, लेवल टू लेवल काम करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम तेज़ी कब कर सकते हैं, जब आपका मार्केट 36,800 के ऊपर निकलता है, इसको हम लिखते हैं 36,825 के आसपास, ठीक है, ये हमारा 20 के आसपास का मैंने लिखा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम तेज़ी करते हैं। अगर इसको तेज़ी नहीं करना है मार्केट को, क्योंकि इसमें अगर आप पैटर्न देखो ना तो इस टाइप का बनते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए एक कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये तेज़ी दिखाता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यू तेज़ी नहीं दिखा रहा है, एक पैटर्न बनाता है फिर उसके बाद आपको तेज़ी दिखा रहा है, तो मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इस जगह जो आपका लेवल है। अब देखिए इसमें 200 पॉइंटों का लेवल दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो 36,600 का लेवल दिखाई देता है, ऊपर की साइड अगर हम बात करते हैं तो 36,800 का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी जो आपका हाई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे की साइड लो पॉइंट दिखाई दे रहा है, और मार्केट आपका इसी लेवल में ओपन हुआ है। हाई पॉइंट का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, अगर ये देखिए एक लेवल में ओपन होता है और मंडे के दिन आप सभी को पता है कि जो कॉल और पुट का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो हमको सेलिंग जब ही करना है जब मार्केट आपका इस जगह 36,600 के नीचे की साइड निकल जाएगा, यानी जब एक ब्रेकडाउन देगा। इसमें भी देखिए आपको दो चीज़ें समझना है कि ऐसा नहीं है कि जो आपका कैंडल है इसको कैंडल को बनने दीजिए, ठीक है, ये कैंडल हम लेंगे 5 मिनट के चार्ट पर, कैंडल बनने के बाद देखिए ऊपर ओपनिंग, देखिए नीचे की साइड क्लोजिंग देना चाहिए, यानी माइनस में क्लोजिंग देना चाहिए, जब माइनस में क्लोजिंग देगा जब भी इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसके नीचे लो के नीचे जाने दीजिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा है, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि देखिए जो 36,600 वाला लेवल है अगर मार्केट इसके नीचे जाता है जब भी हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, यानी हम इस जगह पुट बाइंग करेंगे, ठीक है, हम 36,600 का पुट बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो नीचे की टारगेट देखिए आपको छोटा देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट पहले से ऊपर की साइड जा चुका है और FIS
इसके अंदर बुलिश हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 250 पॉइंटों के समथिंग का आपको देखने को मिलेगा, यानी आपका पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा 36,500 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो 36,600 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो इस जगह देखिए 36,350 का देखने को मिलेगा, यानी जो लास्ट वाला जो आपका टारगेट है वो 50 पॉइंटों का है, और ऊपर अगर आप देखो तो 100 पॉइंटों के आपके टारगेट देखने को मिलेंगे। इसमें हम सेलिंग जब भी कर सकते हैं जब मार्केट 36,600 के आप सभी के सामने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया है। अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कॉल आप किस तरीके से बाइंग कर सकते हो, और मार्केट आपका एक ऊपर के लेवल पे आ भी चुका है, ठीक है। तो सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऊपर की साइड जो आपका 37,400 का जो लेवल है वो सेलिंग करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की साइड का जो गैप है वो भी उस जगह फिल हो जाएगा और वहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए सेलिंग हम ऊपर की साइड क्यों कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इस जगह 37,400 के लेवल पर हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमारा इस जगह SL छोटा होगा, मार्केट में SL लेना बहुत ज़रूरी है, छोटा लेना, ठीक है। प्लस हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको SL नहीं लगाना चाहिए, SL लगाना चाहिए, एक छोटा सा आप SL लगा के इस जगह सेलिंग कर सकते हो, यानी ऊपर के लेवल पे हम पुट बाइंग करके चल सकते हैं। अब इसमें देखिए शायद एक ही बात है कि आपका मार्केट सबसे पहले तो इस जगह ऊपर की साइड आना चाहिए, जो कि 37,400 के लेवल पे आना चाहिए, इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर नीचे की साइड जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों, जो कंसोलिडेट इसने किया है ऊपर से अपने लो को ब्रेक करेगा तो हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं, यानी इस लेवल पर अगर मार्केट मिलता है आपको 37,400 के लेवल पर तो इस लेवल पर हम पुट बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लेवल पर हम करके चल सकते हैं, और अभी भी मार्केट में जो तेज़ी मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं इस जगह 500 से 600 पॉइंटों की दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पे हम सेलिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला जो गैप है आपका वो इस जगह फिल हो जाएगा और फिर मार्केट जो नीचे की साइड जो आपको गैप दिखाई दे रहे हैं उनको फिल करने के लिए मार्केट एक बार नीचे की साइड जरूर आएगा। इस जगह मैं लिखना चाहूँगा कि 99% मार्केट एक बार नीचे की साइड जरूर आएगा अगर मार्केट आपका ऊपर की साइड इसको टच करता हाई लेवल को, जो कि आपका 37,400 का लेवल है, तो वहाँ से हम पिकी बाइंग करके चल सकते हैं। अब उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इस जगह देखिए 37,400 का जो लेवल है इस लेवल पे आता है आपका एक कैंडल बनता है नीचे की साइड ओपनिंग, लेकिन ऊपर की साइड क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इसको हम देखेंगे 1 आवर्स के चार्ट पे, और ये जो कैंडल बनेगा ये रेड कलर का कैंडल बनेगा, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट बाइंग कर सकते हैं। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की बात करते हैं। इस पर देखिए आपको टारगेट भी बड़ा देखने को मिलेगा, जो कि पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इस जगह 37,300 के समथिंग का, दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो 37,200 के समथिंग का, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 37,000 का, क्योंकि 37,000 का जो एक साइकोलॉजी लेवल निकल के आता है इसलिए हमने इसको 37,000 के टारगेट के लिए ओपन किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।